हेलो फ्रेंड्स, पूनम किचन में आज आपका स्वागत है। आज मैंने स्टफ चना दाल पराठा बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इसमें आपको दाल को ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाते हैं स्टफ चना दाल पराठा। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चना दाल लिया है। आप इसको कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप पानी ऐड करेंगे तो उसी हिसाब से ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने दाल को धो लिया है और कुकर में डाल दिया है। अब 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने 1.5 कप दाल में 2.5 कप पानी ऐड किया है, ये मेजरमेंट याद रखें आप। और 1 कप अगर आप दाल ले रहे हैं तो उसमें 1.25 कप पानी ऐड करें और इसको हम 5 विसल आने तक कुक कर लेंगे। फर्स्ट हमारे हाई फ्लेम पर विसल आएगा और उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे 4 सीटी आने तक। जब तक हमारा ये पक रहा है हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच नमक ऐड किया है। बस हमें इतनी ही चीज़ ऐड करनी है इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे और इसका हम नॉर्मल जैसे चपाती का डो बनाते हैं उसी तरीके से इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए डो मेरा बनके रेडी है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। हमारी दाल कुक हो चुकी है, ये देखिए ना पानी है इसमें और दाल भी एकदम कुक हो चुकी है। इस तरीके से आप चेक कर लें, बहुत अच्छा कुक हो गया है। अब हम इसी करछी की सहायता से इसको मैश कर लेंगे इसी के अंदर। ये दाल हमारी मैश हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें तड़का देंगे। यहाँ पे मैं घी से तड़का दे रही हूँ। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 बेलीफ, 2 लाल मिर्च और 1 चुटकी हींग। इन सभी को हम रोस्ट कर लेंगे 30 सेकेंड तक। और 2 इंच अदरक बारीक चॉप करके डाला है, 2 हरी मिर्च। इस समय हम अब इसमें दाल ऐड कर देंगे। पहले आधा ऐड करें, उसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर हम बाकी के बचे हुए दाल को ऐड करेंगे। ये देखिए 2 बार में करके ऐड करें आप। इसे आपको हिलाने में काफ़ी इजी रहेगा, आसानी से आप इसको मिक्स कर पाएंगे। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने चाट मसाला, 1 टेबल स्पून दरदरा चिली पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और धनिया पत्ते ये ऐड किया है। इस सभी को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप मिर्ची और बे लीफ को निकाल सकते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऐड किया है और 1 टेबल स्पून हमने बॉईल करने समय डाला था, बस उसके हिसाब से आप नमक ऐड करें इसमें। ये हमारा लगभग भुन चुका है, गैस फ्लेम ऑफ करके हम इसको बड़े बर्तन में एक फैले हुए थाली में रख देंगे जिसे जल्दी ठंडा हो जाएगा इस तरीके से। अब हम इस दाल का छोटे बड़े अब जिस आकार में चाहें बना सकते हैं, लड्डू बना लेंगे पहले हम। इससे आपका क्या होगा, पराठे में आप ज़्यादा से ज़्यादा दाल भर पाएंगे और इजी भर पाएंगे। मैं आपको आगे दिखा रही हूँ कैसे आप इसको भर सकते हैं। इस तरीके से सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं। एक लोई ले, सूखे आटे की सहायता से ऐसे फैला लें। आप बेल भी सकते हैं, मैं लेकिन मैंने हाथ से किया है। और एक लड्डू डाल के बीच में उसका दाल का इस तरीके से बंद कर देंगे।
हाथों की सहायता से ऐसे फैला लें, डायरेक्ट ना बेलें, पहले फैला लें थोड़ा हाथों से तब बेलें, और हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे। देखिए है ना इजी, आप कितनी आसानी से भर पाएंगे इसमें। ये हमारा बनके रेडी है। इसी तरीके से हम सारे बेल लेंगे, तवा गरम करके तवा पे डालें। मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप तेल भी ले सकते हैं। ऐसे घी लगाएं और दोनों तरफ से सेक ले अच्छे से। इसी तरीके से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। इसी तरीके से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे और आपको जिसके साथ खाना चाहे गर्मा गर्म सर्व करें, दही अचार या चटपटी सब्जी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं आप, बहुत टेस्टी लगती है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग के लिए।